नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम देश। लॉकडाउन 4 में है, यानी 4 में है, और कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या और राज्यों से ज़्यादा है। ठाणे जिले के मुमरा शहर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती देख नूरी ब्रदर्स टीम आगे आई है। इस महामारी के बीच जो सबसे ज़्यादा मुमरा कौसा में समस्या लोगों के प्रति आ रही है वो है पहले एम्बुलेंस और दूसरी समस्या डायलिसिस पेशेंट की है। इन्हीं मामलों को देखते हुए नूरी ब्रदर्स की टीम, जिसमें हाजी अबू बकर जरीवाला, फरीद नूरी, अनवर नूरी, इन लोगों ने कोरोना जैसे खौफनाक वायरस को देखते हुए मुमरा शहर की गरीब जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। हम आपको बता दें, पिछले दिनों 9 एम्बुलेंस प्राइवेट चलाई है, और वो भी फ्री सेवा में। जब से कालशेखर हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित किया गया है, तब से मुमरा कौसा में डायलिसिस पेशेंट की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। इन्हीं मामलों को देखते हुए नूरी वेलफेयर ट्रस्ट ने एक बार फिर डायलिसिस पेशेंट को राहत पहुंचाने का काम किया है। एक बस सेवा शुरू किया है, जिसमें 7 से 8 पेशेंट जो डायलिसिस पेशेंट है उन्हें लेकर हॉस्पिटल तक जाएगी, और वहां पर उनका उपचार होगा, इलाज होगा, उसके बाद लाकर वो फिर वापस छोड़ देगी। मुमरा कौसा में जिस तरह से समस्याएं आ रही थी डायलिसिस पेशेंट की, तो कहीं ना कहीं जो ये जो बस सेवा शुरू किया गया है, इससे जो है काफ़ी राहत पहुंचेगी। जो भी पेशेंट हैं, जिस जगह पर हैं, एक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर जो है आप कॉल करेंगे, जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाया जाएगा, उसके बाद उनकी इलाज होगी, फिर उन्हें हॉस्पिटल से वापस घर लाया जाएगा, और इसी तरह से वो दिन भर चलती रहेगी, और वो भी मुफ्त सेवा में, यानी फ्री सेवा में। इस खबर को चलाने का मकसद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और लोगों तक पहुंचाएं। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इस महामारी के बीच जो लोग तन मन धन से आगे आ रहे हैं, उनकी सराहना करना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी हौसला अफजाई करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि ऐसे कामों के लिए और भी लोग आगे आए। बहरहाल, हमने बात की है नूरी ब्रदर्स की टीम से एम्बुलेंस और बस सेवा शुरू करने की। उनकी जो मकसद है, किस मकसद के तहत उन्होंने शुरू किया है, पहले आप सुनिए। नूरी साहब, मुमरा में जो है नूरी ब्रदर्स की जो टीम है, जो भाई हैं, वो लोग जो है एक के बाद एक तोहफा दे रहे हैं मुमरा वासियों को। इसके पहले एम्बुलेंस जो है मुहैया कराई गई थी, अब एक और तोहफा, वो क्या है वो आप बता दीजिए। देखिए, ये अभी जो नई सर्विस, एक कार्डियक एम्बुलेंस, उसके बाद जो है अब हमने जो अपनी 9 गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ, जो 24 घंटा ड्राइवर के साथ में हमने उपलब्ध रखी हैं मरीजों को पहुँचाने के लिए, इसके बाद अब ये जो एक और बस शुरू की जा रही है डायलिसिस पेशेंट के लिए, इसके बारे में तो आपको ज़्यादा बेहतर, चूँकि ये मेरी सरपरस्ती ज़रूर है, लेकिन इसको संभालने का काम हमारे फरीद भाई और ख़ास तौर से अबू बकर भाई दिन रात इसके पीछे जो मेहनत करते हैं। तो और मुझे अभी आपसे फरीद भाई बात कर रहे थे, तो एक बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि ये आपको इंटरव्यू देने का मकसद जो है वो हमारे इस नेक काम के बारे में चर्चा करना या इसको उजागर करना नहीं है, बल्कि ज़्यादा लोग आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए, जितने लोगों तक जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं और उनको नहीं पता है। तो मुझे याद आया कि वालिद साहब जो है वो एक शेर कहा करते थे कि दीदार के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, दीदार के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, ये उसकी इनायत है कि रुख उसका इधर है। तो फरीद भाई ने दुरुस्त कहा कि ये काम अल्लाह हमसे ले रहा है, इसको हम जो है वो वाहवाही के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आपके ज़रिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और इसमें ख़ास तौर से अबू भाई तो मैं देखता हूँ कि इस तरह इन्वॉल्व हैं इसके अंदर 24 घंटा, इनका जो काम देखता हूँ दोनों भाइयों का, तो मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि इस चमन को कभी सेहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, जब तलक मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, जब तलक मेरी पलकों पे दिए रोशन है, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। तो ये जो एक एक चिराग ये लोग जला रहे हैं, और इसका अज्र जो है ये चाहते हैं कि हमारे वालदैन को, हम सब चाहते हैं पहुँचे। तो आपके चैनल के ज़रिए जो भी देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे वालिद मोहतरम, वालदा के लिए ख़ास दुआ करें, और इस खिदमत को
किस तरह शुरू किया गया है, इससे लोग किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं चाहूँगा कि इस पर अबू बकर भाई और फरीद भाई बेहतर तरीके पर रोशनी डालें। अबू बकर भाई, पहले तो आपने जो है 9 एम्बुलेंस चालू किया था, लेकिन ये जो डायलिसिस जो पेशेंट की जो है मामला है जो मुमरा कौसा में काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे आपको ख्याल आया कि मतलब एक बस चालू करना चाहिए और वो डायलिसिस जो पेशेंट है उनको जो है उनके जगह तक लेकर जाकर उन्हें छोड़ा जाए ताकि उनकी इलाज हो, ये कैसे आपके मन में ख्याल आया आप लोगों के? इस तरीके से मुझे समझ में आया कि जो हमारी सर्विस चल रही है, आप लोगों को पता है कि हमारी एम्बुलेंस है प्लस ये 8-9 गाड़ियाँ हमारी जो है वो इस सर्विस में लगी हुई है, ये कॉल्स आते हैं तो कॉल्स मुझे आते हैं, मैं उसको देखता हूँ और उसको अटेंड करता हूँ, उसको देखता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि जब से हमारा कालसेकर हॉस्पिटल जो है ये यहाँ पे डायलिसिस होता था लोगों का, और ये कोविड की वजह से स्पेशल हो गया, खाली कोविड पेशेंट के लिए कालसेकर हॉस्पिटल में जो डायलिसिस के मरीज थे वो बिल्कुल जो है वो लाचार हो गए थाना जाने के लिए, डोंबिवली जाने के लिए, तो इनकी कोई सुविधा जो है यहाँ नहीं थी, और वो कॉल्स जो है हमको कंटिन्यू आने लगे कि हमको डायलिसिस के लिए जाना है, तो हमने उनको छोड़ा भी। अब ऐसे में क्या हो गया कि गाड़ियां हमारे पास जो 8-10 है वो कम पड़ने लगी, दूसरे कॉल्स हमारे बॉम्बे के, जे के, कामा हॉस्पिटल के, साइन हॉस्पिटल के, कैंसर पेशेंट के कॉल, उस तरफ हम लोग जो है पहुंच नहीं पा रहे थे। तो फौरन हमने फरीद भाई से, अनवर भाई से मशवरा किया कि क्यों ना ये डायलिसिस पेशेंट के लिए एक स्पेशल बस की जो है सुविधा की जाए, और ये हमारा जो है वो बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि हमने फौरन ही एक 14 सीटर विंगर है ये हमने जो है लोगों के लिए आज से शुरू की है, और उसकी भी जो है ओपनिंग और उसका भी उद्घाटन हमने डॉक्टर जितन रावण साहब के हाथों से किया। तो हमने जो है ये फैसला लिया कि डायलिसिस के लिए, डायलिसिस के पेशेंट के लिए ये सर्विस हम यहाँ से शुरू करेंगे, और इसके ज़रिए से ये नंबर हम जो दे रहे हैं आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, ये टोटली फ्री है, आपको लेके जाएंगे आपके डायलिसिस सेंटर पे, आपका डायलिसिस हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने पते पे डाल के छोड़ेंगे बराबर, और ये कल से हम इसकी जो है शुरुआत कर रहे हैं। इस बस में कितने जो है डायलिसिस के पेशेंट जो है वो जाएंगे एक साथ वो भी बता दीजिए आप, और ये कितनी बार जो है मतलब ये बस पेशेंट को लेकर जाएगी, या एक ही बार सीमित होगा या कई बार जितने भी पेशेंट होंगे उनको सबको लेकर जाएगी? ये जो है ये हमारी जो बस है ये 14 सीटर बस है, बट इसमें जो है वो हम सिर्फ एक टाइम में जो है वो 7 लोगों को बिठा के दे जाएंगे, क्योंकि हमको जो है वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मरीजों को जो है हम एक सीट पे एक ही पेशेंट को बिठाएंगे, तो एक टाइम में हमारे 7 मरीज जो है वो जाएंगे, और वहाँ सेंटर पे छोड़ के आने के बाद बस हमारी फौरन वापस आ जाएगी, और दिन भर ये सिलसिला चलते रहेगा, जैसे सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक की बस आपकी सेवा में है, और टोटल मुफ्त है, टोटल फ्री है, तो ये दिन भर अपने रूट पे अपने पेशेंट्स को जो है लेके जाएगी, वहाँ से वापस लेके आएगी, और इस स्लॉट में जाएगी, जैसे 7 लोग गए उनको वहाँ पे हमने डायलिसिस सेंटर पे छोड़ दिया, वापस ये बस जो है वो कौसा में आ जाएगी, यहाँ से फिर 7 लोगों को लेके जाएगी, जब तक कि वो अगले 7 लोगों का डायलिसिस हो चुका होगा वापस उनको ला के अपनी मंजिल तक के छोड़ेगी। अच्छा, ये टाइम जो रहता है जी जी, ये सुबह 8 बजे से लेके शाम में 8 बजे तक के। भाई, जिस तरह से देखा गया है कि आप लोग जो है काफ़ी मुमरा कौसा में चर्चित हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो है बिल्डिंग लाइन में भी हैं और लीगल प्रोजेक्ट आप लोगों का काम चलता है, लेकिन ऐसे में आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं उससे ज़्यादा आप लोग एम्बुलेंस वगैरह जो शहर की जो समस्या है उस पर ध्यान दे रहे हैं, ये किस तरह से आप लोग कर पा रहे हैं? देखिए, हमको घर में हमेशा ये बताया गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो व्यायाम। और आज मुमरा में आप देखें रमज़ान शरीफ का महीना है, और मैं उन तमाम नौजवान बच्चों को सलाम करना चाहता हूं जो हर तरह से आज जो है इस शेर के हिसाब से इबादत भी कर रहे हैं, और आप देखें कि हम नहीं मुमरा के सभी नौजवान और बहुत सारे लोग जो है अपने अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारा एम्बुलेंस शुरू करने का मकसद, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से, हमारे हमदार हैं, सबसे पहले उन्होंने फ़ोन किया, हमारे पास एक एम्बुलेंस थी जिसकी सर्विस हम शुरू करने वाले थे, कार्डियक एम्बुलेंस है, और हम शहर को वो तोहफे में देना ही चाहते थे, उनका फ़ोन आया, फरीद भाई आपकी एम्बुलेंस है, मुझे पता है, आप फ़ौरन जो है इसको शुरू कीजिए, आज शहर को इसकी ज़रूरत है, और शहर हमारा, फिक्र हमारी, हम तो इसी बात को मानते हैं कि शहर हमारा है, और इसी शहर ने हमको इज्जत शोहरत दौलत हर चीज़ दी है, आज अगर इस शहर को हमारी ज़रूरत है तो हम इंशाल्लाह अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे। पहले दिन जब कार्डियक एम्बुलेंस की शुरुआत की हमने,
तो हमारे अबू भाई इनको सलाम है, इनके मेहनत को, इनकी लगन को, कि ये हर कॉल पे और हर पेशेंट पे बाकायदा से पूरी तरह से जो है नज़र रखते हैं और बहुत मेहनत से, बहुत लगन से ये काम जो है 24 घंटे में 20 घंटा ये जाग के काम करते हैं माशाल्लाह। तो इन्होंने बताया फरीद भाई ये 70 कॉल आए और हम एक एम्बुलेंस से मुश्किल से 10 या 12 पेशेंट को ले जा पा रहे हैं। फिर हमारा मशवरा हुआ, अबू भाई ने आइडिया दिया, हमारे अनवर भाई जान इन्होंने बताया, ये हमारे ट्रस्ट के दोनों ट्रस्टी, हमारा फैमिली ट्रस्ट है, तो उन्होंने बताया कि हम अपनी गाड़ियों को अगर एम्बुलेंस की शक्ल में उतार दें। हमने डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से बात की, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक उस वक्त बिगड़ना शुरू हुई थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने पासेस भेजे, अनुर भाई ने पुलिस डिपार्टमेंट से मेहनत करके हमको पासेस ला के दिए। बहरहाल इस तरीके से हमारी 9 गाड़ियाँ और फील्ड में आ गई। इन दिनों में बस शुरू करने का जो सबसे बड़ी वजह है कि कालसेकर हॉस्पिटल को एज अ कोविड-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया। अब उसमें सिर्फ कोविड के पेशेंट जो हैं वो एडमिट हो रहे हैं और हमारे शहर में डायलिसिस के पेशेंट और गरीब पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हम लेकर जाते थे उनको भी, लेकिन हमने देखा कि एक गाड़ी जाने के बाद 3 घंटे में वापस आती है और एक ही सेंटर पे हमारी 5-5 गाड़ियाँ कंटिन्यू जा रही हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं इनको बल्क में एक ही स्लॉट में ले जाया जाए। हमारे अबू भाई के जहन में अल्लाह ने ये बात उतारी, उन्होंने अनु भाईजन से मशवरा किया, उससे बात की, हमने फिर हमारी टीम में है हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब और अल्लाह का करना ऐसा कि वो भी ठीक हो गया आ गए थे। हालांकि वो बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं थे बात करने के, लेकिन मेरा फ़ोन उन्होंने उठाया, हमने उनसे बातचीत की, अनु भाईजन ने बातचीत की, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है और नूरी साहब ऐसा है कि ये मिशन में भी मैं आपके साथ हूँ, आपके हर काम में मेरा साथ पूरा रहेगा। और उन्होंने इस बस की आज ओपनिंग की और ये बस स्पेशली डायलिसिस पेशेंट को, वैसे तो एम्बुलेंस भी फ्री है, हमारी 9 गाड़ियाँ भी फ्री है, लेकिन ये सिर्फ डायलिसिस पेशेंट के लिए, इसके लिए कि इसमें सिर्फ डायलिसिस के पेशेंट जाएंगे। ये अपने एक स्टॉप से कौसा से हमारे वाई जंक्शन से शुरू होगी और पेशेंट्स को लेते हुए कलवा शिवाजी जाएगी, वहाँ से वापसी में जो डोम्बिवली के पेशेंट्स हैं उनको लेते हुए डोम्बिवली जाएगी, फिर वापस पेशेंट जमा करते हुए शिवाजी हॉस्पिटल जाएगी, जो पहले के पेशेंट हैं उनको वापस लेके आएगी। ये इस तरह से अबू भाई ने एक पूरी चैन बनाई है, इस तरह से इंशाल्लाह सिस्टमेटिक काम होगा तो डायलिसिस के पेशेंट को भी आराम होगा। और जो हमारे बाकी गाड़ियों पर आज होता ये है कि हमको 70 से 80 कॉल आते हैं, लेकिन हम 50-55 कॉल ही उनको गाड़ियाँ फराम कर पाते हैं क्योंकि गाड़ियाँ कम पड़ जाती हैं। अब ये डायलिसिस का लोड बस पे चला जाएगा, हमारी गाड़ियाँ फ्री होगी, जो हम शहर के दूसरे हमारे भाइयों के काम आ सकेंगे, यही हमारी चाहत है और हम इस पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अनुभव भाई ने बताया कि देखिए ये हमने अच्छा काम किया या हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आज हम आपके सामने नहीं बैठे हैं। हम खास जो लोग देख रहे हैं, जो आपके माशाल्लाह से इतने सारे व्यूवर्स हैं, मेरे ख्याल से आज बहुत ज़्यादा व्यूवर्स आपके हैं, हम उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि साथियों आप इसको देखिए और इस पे जो नंबर है आप सबको फॉरवर्ड कीजिए, पता नहीं कहाँ किस कोने में किसको ज़रूरत होगी तो वो उस आदमी के काम आ जाएगा, तो इसका अजर अल्लाह आपको भी देगा, यही हमारी कोशिश है और इस कोशिश में आप हमारी मदद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके चैनल को बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। तो आपने सुना इस सेवा को चालू करने का मकसद क्या है। बहरहाल मुमरा कौसा में एम्बुलेंस डायलिसिस पेशेंट की समस्या आम थी। मुमरा कौसा में बनने वाले बड़े बड़े नेताओं को ये सब समस्या नहीं दिखाई दे रही है, अगर दिखाई दे रही है तो फिर आगे क्यों नहीं आए। 3 किलोमीटर का मुमरा शहर अपने आपने हमने देखा है, गली में समाज सेवक राजनेता घूमते दिखाई देते हैं, मगर गरीब जनता की समस्याओं पर कौन बात करेगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।